चलिए गौरी शंकर से भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की, आपको सुनाते हैं। शिवराज कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और शिवराज कैबिनेट में जो सबसे प्रमुख और चर्चित चेहरा है वो है गौरीशंकर बिसेन, जो शपथ लेने जा रहे हैं। फोन आ चुका है और अब ये शपथ लेंगे। मेरे साथ गौरीशंकर बिसेन जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बिसेन साहब, फोन आ गया क्या मुख्यमंत्री जी का आपको? जी हाँ जी, क्या बोले मुख्यमंत्री? 8:45 पे राजभवन शपथ ग्रहण करने के लिए पहुँचना है। कैसा लग रहा है आपको, इतने एक महीने बचे हैं और ऐसे में आप शपथ लेने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक तौर से सैनिक हैं और युद्ध के मैदान में एक मिनट भी पर्याप्त होता है। जब पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो कितना टाइम लगा भाई? जब पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक में नेस्तनाबूद किया जा सकता है तो अभी तो हमारे सामने 40 दिन है। हमारे महाकौशल से, अरविंद से कांग्रेस को साफ करने के लिए 40 दिन पर्याप्त है। मध्य प्रदेश में पुनः बीजेपी की सरकार बनेगी, मतलब इसीलिए आपको मंत्री बनाया जा रहा है 40 दिन पहले? चुनाव के पहले यदि हमको मंत्रिमंडल में स्थान मिला है, इसका मतलब है हमारी जवाबदारियां बढ़ी है। हम अपनी जवाबदारी को स्वीकार करते हैं और पूरे मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए प्राणपण से हम सब लगेंगे। 40 दिन में क्या प्राथमिकता होगी, क्योंकि बहुत कम समय है? बालाघाट नहीं, आपके ऊपर पूरे महाकौशल की जिम्मेदारी होगी। अब देखिए, प्रदेश नेतृत्व ने 1999 से लेकर के 5 वर्षों तक मेरे सांसद के निर्वाचन होते तक प्रदेश किसान मोर्चे के अध्यक्ष का दायित्व दिया। हमने प्रदेश के सभी 313 विकास खंडों तक जाने का प्रयास किया। अच्छा, एक सवाल ये है बहू कि अब क्या मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ोगे फिर से बालाघाट से? देखिए, हाईकमांड का जो निर्णय होता है अंतिम होता है, लेकिन मैंने कहा है कि युवाओं को अवसर देना चाहिए और यह इच्छा मैंने 2019 में अपने नेतृत्व तो सामने रख दिया है। मतलब ये आपका अंतिम चुनाव होगा और आप अंतिम बार मंत्री बन रहे? जिंदगी में कई अभी कोई चीज अंतिम नहीं होती। अभी मैंने इस विधानसभा चुनाव के लिए कहा, कभी नहीं कहा कि आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा अच्छा भाव, एक सवाल ये है कि आपके साथ कौन कौन शपथ ले रहे हैं? राजन जी शुक्ल का लेना तय है और मुझे जानकारी ऐसी मिली कि राहुल जी भी, राहुल लोधी जी भी शपथ लेंगे। 3 लोगों की जानकारी, बाकी और होगी तो कल पता चलेगा। तो गौरीशंकर बिसेन जी आत्मविश्वास से लबरेज है शपथ लेने के बाद, 40 दिन का समय है। वो कह रहे हैं कि ये बहुत समय है मेरे लिए काम करने के लिए और महाकौशल में बीजेपी का झंडा गाड़ने के लिए। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।